ऑल राइट, सो यू गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज आई अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं अपनी नेक क्लीन करके दिखाऊंगा। तुम देख सकते हो पहले से क्लीन है मेरी नेक, बट मैंने काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं की तो पीछे काफ़ी ज़्यादा डर्ट है, जिसे हम मैल कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डर्ट इकट्ठी हो रही है पीछे या थोड़ी थोड़ी आगे भी है। सो मैं इसको कम्प्लीटली क्लीन करके दिखाऊंगा तुम्हें कि अपनी नेक मैं कैसे क्लीन करता हूँ और तुम भी ऐसे क्लीन कर सकते हो। सो वीडियो के स्टार्ट करते हैं, बट मुझे लग रहा है तुम मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो डूड? जल्दी सब्सक्राइब कर दो और पास में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो इधर। सो तुम्हारी नेक पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट है, तो तुम्हें भी पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने वाले हो। कॉज काफ़ी ज़्यादा डर्ट, अगर तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा फेयर है और तुम्हारी नेक काफ़ी ज़्यादा डर्ट से भरी हुई है, जैसे पसीना वगैरह आता है गर्मियों में, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब डर्ट वगैरह हो जाती है स्वेट के कारण। और सेकेंड समर में काफ़ी ज़्यादा बाहर जाने से टैन भी आ जाता है। हम अपने फेस को कवर करते हैं बट हमारी नेक कवर नहीं होती, तो जिसके कारण टैन भी आ जाता है। अगर आपके यहाँ पे टैन आ गया, काफ़ी ज़्यादा टैन आ गया, तो उसको आप स्क्रब से हटा सकते हो। अगर आपके काफ़ी ज़्यादा मैल इकट्ठी हो गया, मतलब डर्ट इकट्ठी हो गया जो कि पसीने के कारण हो जाती है, या काफ़ी हम मिट्टी वगैरह में जाते हैं बाहर, तो उसके कारण भी हो जाती है, तो वो कैसे साफ़ करनी है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं कोई भी टैन पे नहीं बना रहा ये वीडियो, अगर तुम्हारे काफ़ी डर्ट इकट्ठी हो रही है उस पे है ये वीडियो, अगर टैन है तो वो तुम स्क्रब से हटा सकते हो। सो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा फेस काफ़ी फेयर लग रहा हो और हमारे यहाँ पे मैल हो, तुम देख सकते हो इस वजह से लाइनें बन जाती है यहाँ पे, तो मेरे नहीं है बट काफ़ी लोगों के बन जाती है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे स्किन भी इकट्ठी होती है जिसके कारण काफ़ी पसीना आता है, तो काफ़ी ज़्यादा डर्ट इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। अगर तुम मैरिज वगैरह में जा रहे हो या स्कूल में भी, तुम्हारी नेक काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। इस वजह से टी शर्ट पहनते हो तो तुम्हारी नेक काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है, अगर तुम्हारे डर्ट इकट्ठी हुई हो यहाँ पे तो। तुम कोई फंक्शन वगैरह में भी जाते हो तो अजीब लगता है, काफ़ी ज़्यादा राउंड नेक वाली टी शर्ट पहनते हो जब, अगर तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा डर्ट हो। सो मैं तुम्हें कम्प्लीटली बताऊंगा कि मैं अपनी डर्ट कैसे क्लीन करता हूँ। जो भी नेक पे डर्ट वगैरह आ जाती है, मैं डेली इसको वीक में कर लेता हूँ या 1 मंथ में भी कर लेता हूँ कभी कभी, तो इस बार मैंने 1 मंथ से नहीं की साफ, बिकॉज घर पे ही रहते थे, लॉकडाउन था, तब मैं क्लीन करने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे क्लीन करनी है। सो सबसे पहले तुम्हें चाहिए आयुर्वेद का डीप क्लीनिंग मिल्क, तुम देख सकते हो, तो ये मार्केट से इजीली मिल जाएगा। सो तुम देख सकते हो इस वजह से, सो ये मार्केट से तुम ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। तो ये 45 रुपीज़ का तुम्हें इजिली मार्केट से मिल जाएगा। इसके MRP 50 रुपीज़ है, तो तुम्हें 50 रुपीज़ का भी मिल सकता है या 45 का मार्केट से मिल जाएगा। तो तुम्हें ये चाहिए और कॉटन चाहिए, तुम देख सकते हो मेरे पास कॉटन है, तो इतनी कॉटन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये मैंने ले रखी है वैसे ही है मेरे पास। तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें अपनी नेक कैसे क्लीन करनी है। तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं थी, मतलब ढंग से नहीं बनी थी, तो मैं अलग से अब वीडियो बना रहा हूँ इस पर। सो ये आयुर्वेद का यूज़ करना है, तुम देख सकते हो, तो इसे तुम फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। सो इस वजह से तुम्हें ले लेना है। सो तुम देख सकते हो इसका मिल्क जैसा कलर है। सो मैंने इतना ले लिया, सो ये काफ़ी ही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लिया है मैंने, बट तुम कम ले लेना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है। सो हम राउंड नेक वाली या कोई भी पहनते हैं टी शर्ट वगैरह या शर्ट, तो उसमें कॉलर वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा तुम देखते हो डर्ट भी इकट्ठी हो जाती है, अगर तुम्हारी नेक पे काफ़ी डर्ट हो तो। सो इससे काफ़ी देर तुम्हें थोड़ी मसाज करनी है, तो ये अपने आप ड्राई होने लग जाएगा। सो तुम बैक में देख सकते हो मेरे किस पे से। सो तुम देख सकते हो मैंने काफ़ी मसाज कर लिया, तो अब हम इसको कॉटन से उतारेंगे, तो तुम्हें दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा डर्ट आती है या नहीं। सो तुम देख सकते हो मैं इतनी कॉटन ले रहा हूँ। सो ये तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो ये ब्राउन हो गई। सो इस साइड से बिल्कुल वाइट है। सो नाउ मैं इस साइड से करके दिखाता हूँ तुम्हें। सो इस साइड से वाइट है, तुम देख सकते हो।
सो तुम देख सकते हो ये बिल्कुल ही ब्राउन हो गई, तो मैं अलग से अब कॉटन लेने वाला हूँ, दोनों साइड से ये ब्राउन हो गई। सो तुम दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। ओके सो नाउ इससे तो इस पे भी तुम देख सकते हो अलग से डर्ट आ रही है। सो इस साइड से ये वाइट है, तुम देख सकते हो। सो मुझे नहीं पता लग रहा बैक में कितनी डर्ट है मेरे, तो मैंने तुम्हें दिखा दिया वीडियो में, तो मैं तो एंड में देखूंगा ये वीडियो क्या बनी है, कितनी डर्ट थी। सो काफ़ी ज़्यादा डर्ट हो तो कुछ टाइम तुम यूज़ करोगे इसको रेगुलर, तो तुम्हारी डर्ट चली जाएगी जो भी डर्ट होगी, मतलब वीक में तुम दो बार भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं नहाने के पहले ही यूज़ करता हूँ इसको, फिर जाके नहा लेता हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। तो सो मैं थोड़ा सा पानी लगा के बैक में तो फिर से कॉटन यूज़ करूँगा, बिकॉज काफ़ी थोड़ा मॉइस्चराइज होता है इसमें, तो मेरी वैसे ही ऑयली स्किन है तो मुझे मॉइस्चराइज की ज़रूरत नहीं है। तुम तो नहा ही लोगे, नहाने से पहले करोगे, मैं भी ऐसे ही करता था। मैं थोड़ा सा पानी लगा के अब फिर इसको कॉटन से क्लीन कर लेता हूँ। सो मैंने वाटर लगा लिया, तुम देख सकते हो। सो मैंने क्लीन कर लिया, तुम देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से, तो मेरी स्किन का कलर बिल्कुल मैच हो रहा है मेरी नेक से। तो बैक का मुझे नहीं पता कितना हुआ है या कितना नहीं, तुम ज़रूर बताना कमेंट में कि बैक साफ़ हुई है या नहीं, तुम एक बार फिर से देख लो। सो तुम देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा नेक क्लीन कर ली अपनी, पहले कैसे थी और अब कैसे थी, तुम्हें पता लग गया होगा डिफरेंस। तो क्या होता है अगर हम अपनी नेक को क्लीन ना करें तो हमारी, जैसे अब मैंने वाइट पहनी हुई है टी शर्ट, तो मेरी नेक को मैं इस वजह से अगर अपनी नेक को राउंड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर्ट यहाँ पर लग जाएगी और ये वाइट जल्दी से ही ब्राउन हो जाएगी या ब्लैक होने लग जाएगी। सो ब्राउन ही होगी ये, तो डर्ट वगैरह काफ़ी सारी यहाँ पे लग जाएगी, तो काफ़ी अजीब लगने लग जाती है। और सो तुम्हारी नेक तो अजीब लगती है डर्ट के कारण, तुम अपनी टी शर्ट को भी ख़राब कर लेते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा डर्ट के कारण अजीब लगने लग जाती है यहाँ से ब्राउन ब्राउन, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। अगर तुम कहीं बाइक पर जा रहे हो और तुम्हारा फ्रेंड पीछे बैठा, तो उसको तुम्हारे यहाँ पर जो भी डर्ट लगी होगी कॉलर वगैरह वाली टी शर्ट होती है तो वो साफ़ दिखेगी उसको। तुम्हारी नेक भी क्लीन होनी चाहिए जब तुम इस वजह से पहनो, तुम देख सकते हो मेरी नेक बिल्कुल क्लीन है, तो मैं कैसे भी जाऊँ किसी को ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो मेरी नेक साफ ही दिखेगी कोई भी देखेगा। अगर काफ़ी ज़्यादा डर्ट होती है तो वो ज़्यादा हाईलाइट होती है डूड, तुम अपनी नेक को क्लीन किया करो। तो तुम्हें पता लग गया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर ली, तो तुम भी क्लीन किया करो, काफ़ी अच्छी लगती है डूड, ऐसे काफ़ी अजीब लगने लग जाती है डर्ट में, तो तुम क्लीन करते रहा करो इसको। काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है ये, आयुर्वेद का डीप क्लीनिंग मिल गया, तुम देख सकते हो ये ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, तुम कोई भी शॉप से जाके ले सकते हो ये, 45 या 50 रुपीज़ का मिलेगा, और तुम कॉटन ले आना तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है ये, तो तुम अपनी नेक को भी क्लीन कर सकते हो इसलिए। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर तुम्हें कोई भी क्वायरीज हो या कोई भी वीडियो चाहिए हो या कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ये है मेरी इंस्टा आईडी, तो मुझे सब यहाँ पे फॉलो करके पूछते हैं, कोई भी उन्हें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैं जरूर उन्हें बताता हूँ अगर मुझे पता होता है तो। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो बी श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, स्टे ब्लेसिंग मी डूड।